सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आज तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे मॉब डी भाई के बारे में। तो मॉब डी भाई इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और लाइव आकर बादशाह भाई, इक्का भाई, रफ्तार भाई, सीधे मौत और बोहेमिया पाजी के बारे में बात करे थे, तो आप लोग देख लो। सर यार मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मैं टीम एवोल्यूशन के वालों के साथ टाइज करना चाहता हूँ वापस से, हमारे टाइज हो जाएंगे। अभी मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं ऐसे ऐसा है टीम एवोल्यूशन के साथ कैसा है, तो टीम एवोल्यूशन के साथ मेरा बहुत अच्छा सीन है। उन्होंने मेरी हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया, लक्की बिहान है और सूरज भाई हो गए, इन सब लोगों ने मेरे को बहुत मतलब बहुत मोटिवेट किया है, बहुत वो किया। डगै शेडी हो गया है, अनिकेत रतुड़ी हो गया है कि भाई देखो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं भाई, रागा है भाई, इक्का है भाई, बड़े बड़े आर्टिस्ट है, रफ्तार पाजी है सब, क्योंकि मेरे को अपने कला में 100% मेरे को अभी हसल वालों ने बहुत परेशान किया है, पिछली बार भी परेशान किया था, अभी भी परेशान कर रहे हैं। तो भाई ये मेरी शिट नहीं है, मैं वो कोई कंटेस्टेंट बन के नहीं आऊंगा वहाँ पे भाई। सबसे पहली बात है, या तुम्हारे जितने जज है जितने उनको मेरे सामने खड़ा कर देना स्टेज में और मेरे को बोलना एक के पहले मारो बिना बीट के, तो पता चल जाएगा भाई कौन कैसा है और कौन कैसे स्पिट कर रहा है। ऐसे कंटेस्टेंट ऐसा परफॉर्म आऊंगा, गेस्ट परफॉर्मेंस में आऊंगा और बुलाओगे तो आऊंगा, वरना मेरे को इन चीज़ों से लौटनी पड़ती है भाई। बंदे भी बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे बंदे भी देखे हैं ना, ऐसे बंदे भी कि वो कभी किसी की कॉपी कर दे रहे हैं, किसी बाहर वाले आर्टिस्ट की सेम वैसी कर दे रहे हैं, फिर वो दूसरे गाना सुन रहा तो दूसरे में दूसरे की कॉपी कर दे रहे हैं। माँ आपका तुम कभी ऐसे नहीं देखोगे भाई, वरना सुनने को तो आप भाई बादशाह भाई को सुन लो, टोनी कक्कर, मैं तो सुनता नहीं हूँ, मेरे को तो एक आधे नाम याद है लोग बोलते हैं और ना मैं ये स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ। ये मुनावर फारूकी जो है ये भाई मेरे से पूछता रहता बिग फैन ये वो सो मेरे को, लेकिन इस बंदे ने भी आज तक मेरा गाना तो डाला, मेरे को पूछा भी, मेरे को मैसेज किया हम ये बिग फैन, लेकिन कभी इस बंदे ने ये होता है स्वाड, कभी इस बंदे ने नीचे से क्रेडिट्स नहीं डाले कि ये गाना इसका ये गाना, फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं है, करो, मेरे को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं उससे इन्फ्लुएंस हुआ, मैं कोई पैसा बनाने के लिए, लोग क्या करते हैं पैसा बनाते हैं, पैसा बनाते हैं इन चीज़ों से, हिप हॉप के नाम से पैसा बनाते हैं। हिप हॉप बनते हो या जितने भी जो भी हो ना भाई, आधे से ज्यादा को तो कुछ पता ही नहीं है भाई हिप हॉप के बारे में, सिर्फ उससे पैसा कमाना जानते हैं ये बस और कुछ नहीं। और एक इक्का भाई है, मेरे को बोहेमिया पाजी तक ने भी सुन लिया है, मेरे को बादशाह ने भी सुन लिया होगा, और मेरे को और मैं स्ट्रेट अप बोलता हूँ भाई ये चीज़ें मेरे को ये पसंद नहीं है, ये वाली चीज़ें। इक्का भाई का मेरे को एक गाना बहुत तगड़ा लगा, ट्रैप मुंडे, ये बहुत तगड़ा, बहुत टाइम बाद ये मेरे को लगा कि हाँ ये है शेर। आठ से जाने जाओगे ना उस दिन मैं बोलूंगा तुम लेजेंडरी काम किया तुमने, वरना लेजेंडरी तो हर आंटू झाटू को बोल दे रहे हैं आज। तुम्हें लेजेंड मतलब पता क्या होता है, लेजेंडरी मतलब पता है क्या होता है तुम्हें, किसी को पता नहीं होगा यहाँ लेजेंडरी मतलब। डिस मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, डिस मतलब DISS, इसका मतलब बीफ मतलब, किसी को कुछ नहीं पता होगा, पहले किसी को पता ही नहीं है, कोई मेरे से लेना देना, कोई मेरे को बोलता है बोहेमिया की तरह लगता है, कोई बोलता है जॉनी लुकस की तरह लगता है, कोई बोलता है किसी की तरह लगता है। अबे यार कम ऑन मैन, व्हाट द फक मैन। मैंने तो ये भी सुना है कि ये लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं रैप की और क्या बोलते हैं रैम की ट्यूशन पढ़ाते हैं और ये पढ़ाते हैं। अबे मेरे भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा अंदर से होती है ये सब चीज़ें जिसका अंदर भूख होती है ना, भूख होती है ना जिसके अंदर, वो खुद उसको पता चलता है चीज़ों को, जो जितना सुनता है जितना नॉलेज करता है। ऐसे नहीं कि साइंस थोड़ी ना हो रखी है कि साइंस पढ़ाओगे जब आएगा, कैसी चीज़ है ना भाई, ये अंदर से होती है, अंदर से आपकी कहानी है, आपको अपना कुछ भी बोल देंगे ता 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 ता। अबे कुछ चीज़ तुम बोल रहे हो तो उस चीज़ में उसका भाव 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 प्रकट करो ना उस चीज़ का, कुछ भी बोल देंगे लपटा लपटी लपटा फटटा खटटा मटटा। और मैंने तो ऐसे ऐसे बड़े आर्टिस्ट भी देखे जो दूसरे बड़े आर्टिस्टों का फ्लो पूरा मारते हैं पूरा करते हैं, भाई तुम यूनिक नहीं हो गया यार, अबे अपने यूनिकनेस रखो ना यार, अबे तुम दूसरों को लेके यार ये रैप आप हिंदुस्तानी लोगों ने ना रैप को ना ये जो आपके बड़े आर्टिस्ट जो भी जैसे भी है ना इन्होंने खत्म कर दिया है भाई, खत्म कर दिया है, सीरियसली मैं तो बोल रहा हूँ। बाकी आधे से ज्यादा जितने हरियाणा जितने इधर इधर वाले लोग हैं जितने दिल्ली वाले लोग हैं ये सब या तो वो कौन है वो क्या नाम है उनका उसने नहीं किया जो ऐसे रैप करते हैं जो सीधे मौत वाले, अब वो आधे से ज्यादा उन्हीं की तरह करने लग जाओ मैं फिर आधे से ज्यादा उन्हीं की तरह करने लग जावे, फिर उनका दूसरा ट्रैक सोचो तो वो जो डिवाइन की तरह करने लग जावे। अबे तुम्हारा कुछ स्टाइल नहीं है क्या? उसी दिन मेरे को रैप आज से नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, 10 साल हो चुके हैं मुझे रैप करते करते, अजय भी मैंने वो टोपी नहीं बदली वो राज्य रुज्जे वाली, और जो बोहेमिया पाजी है ना इनके लिए बहुत प्यार करता था इनसे, अभी भी उनकी चंडों की धूल हूँ, लेकिन वो जिस दिन मेरे को मिल गए ना जिस दिन, तो उनसे सबसे पहले एक बात बोलूंगा आपने किया ही क्या है इंडियन हिप हॉप के लिए, बस साफ और सीधी बात है, साफ और सीधी बात है भाई। लेगेसी किसे बोलते हैं, लेजेंडरी किसे बोलते हैं, लेगेसी किसे बोलते हैं, डॉक्टर ड्रे है ना, एमिनेम, एग्जिबिट, गेम, सबको ये है लेजेंडरी शिप कि आप पहचानो किसी की कला को और उसे उभारो। बोहेमिया पाजी ने वहां किया, भले मैं अभी उनकी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने किया क्या है, किया क्या है भाई, किया क्या है, किसको उठा दिया,
किसको उठा दिया? एक दो बंदों को उठा रखा, वो बंदे मेरे से कोलैब के लिए बोलते रहते दिन रात। और आपको बता दूं, एक मैगजीन पे आप लोग देख सकते हो एमसी अल्ताफ भाई, यशराज भाई और डिनो जेम्स भाई फीचर हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तीनों भाइयों को। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल मैग्नेट भाई के बारे में। तो आप लोग जानते हो लेजरस भाई के साथ प्रोफेशनल मैग्नेट भाई का क्या मैटर चल रहा है। तो अभी फिर से प्रोफेशनल मैग्नेट भाई कमेंट को अपने स्टोरी पे डालते हुए लिखे थे डन ब्रो, टैग भी कर दिया, और जिसके बाद आप लोग देख सकते हो एमिनम को भी टैग करे थे। तो फिर से ये जो स्टोरी है, स्टोरी से लेजरस भाई को पोक किया गया है। सो गाइस इस वीडियो में तो इतने ही, मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।